दोस्तों चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हंसना हर लड़की की अदा होती है, वहीं देखा जाए तो ये बात 100% सच है। लड़के लड़कियों की हंसी देखकर फिदा हो जाते हैं और उन्हें अपना दिल दे बैठते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जैसे इंसान के हाव भाव उसकी चाल से उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, वैसे ही इंसान का हंसना और मुस्कुराना भी व्यक्तित्व के कई राज खोल देता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक हंसने से ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है और टेंशन भी रिलीज होती है। दोस्तों वैसे तो हंसने के काफी फायदे होते हैं, इससे आप तनाव मुक्त रहते हैं। विज्ञान के अनुसार ज्यादा हंसने वाले लोग ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ और जीवित रहते हैं। इतना ही नहीं, हंसने से चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी होती है। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक आपके हंसने या मुस्कुराने का तरीका बहुत कुछ कहता है। जिस तरह हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, वैसे ही हर किसी के हंसने का तरीका भी अलग होता है। ऐसे में बात अगर लड़कियों की जाए तो वो अलग अलग ढंग से हंसती हैं और अलग अलग ढंग से मुस्कुराती हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि लड़कियों के हंसने के तरीकों में कई बातें छिपी होती हैं? जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से लड़की के हंसने और मुस्कुराने से उसके नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं एक सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो इसी कारण आपकी जिंदगी में ये बहुत मायने रखता है कि आपका जीवन साथी कैसा है। कई बार आप उनके व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाते, मगर कुछ लड़कियों की हरकतें होती हैं जिन्हें आप आसानी से पता कर सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस ग्रंथ में लड़कियों से जुड़ी कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिसे शायद आप नहीं जानते, तो उन्हीं बातों में से एक अंश के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, रुक रुक कर हंसने वाली। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लड़कियां रुक रुक कर हंसती हैं, या फिर एक ही बात पर बहुत देर तक हंसती रहती हैं। इस तरह की लड़कियों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये लड़कियां आलसी और कमजोर याददाश्त वाली होती हैं। नंबर दो, हिनहिनाकर हंसने वाली। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार घोड़े की तरह हिनहिनाकर हंसने वाली लड़कियां अपना काम निकलवाने में माहिर होती हैं। ज्यादातर ऐसी लड़कियां मौके का फायदा उठाना बहुत ही अच्छे से जानती हैं, इसलिए ऐसी लड़कियों से सावधान रहें। नंबर तीन, खिलखिलाकर हंसना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो लड़कियां खुलकर हंसती हैं यानी कि खिलखिलाकर हंसती हैं, उनका व्यवहार काफी अच्छा होता है। ऐसी लड़कियां सहनशील, दयालु और आत्मविश्वासी होती हैं। इस तरह की लड़कियां कभी किसी को धोखा नहीं देती। यदि आपकी जिंदगी में ऐसी लड़की आती है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत भी चमक सकती है। नंबर चार, शांत मुस्कान वाली। दोस्तों जो लड़कियां शांत होकर मुस्कुराती हैं वो हमेशा मन की प्रसन्नता को जताती हैं। इस तरह की लड़कियां गंभीर, धैर्यवान, विश्वासी और ज्ञानी होती हैं। इन लड़कियों पर आराम से विश्वास किया जा सकता है। नंबर पांच, ठहाके मारकर हंसने वाली। दोस्तों ठहाके मारकर हंसना खिलखिलाकर हंसने से थोड़ा अलग है। जो लड़कियां ठहाके मारकर हंसती हैं, हालांकि वो अपने जीवन में बहुत सफल होती हैं, लेकिन अगर ऐसी हंसी के साथ उनका चेहरा व्यंगपूर्ण होता है तो उनमें अहंकार की भावना होती है। ऐसी लड़कियों को चुनने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।